देश में लगातार सड़क हादसे के मामले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और ज़्यादातर सड़क दुर्घटनाओं में लापरवाही एक बड़ी वजह रही है। हाल ही में जो टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन थे सारस मिस्त्री, उनकी जो मौत है सड़क हादसे में हुई है, जिसमें एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि ड्राइवर और जो सारस मिस्त्री थे दोनों ने ही सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। इसको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाने के लिए इस वक्त हमारे साथ DSP सतीश ठाकुर सर है। सबसे पहले सर ईटीवी भारत में स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर। ज़्यादातर हादसे जो है वो लापरवाही के वजह से होता है। हाल ही में जो हादसा हुआ सारस मिस्त्री का वो भी देख सकते हैं लापरवाही हुआ है। तो सर गाड़ी के साथ डिमॉन्स्ट्रेट करके बताएंगे उस समय सिचुएशन क्या रही थी, क्योंकि 9 मिनट में 20 किलोमीटर जितनी स्पीड थी, तो बताइएगा डेमोंस्ट्रेट करके किस तरह सिचुएशन थी सर। जिस प्रकार अब देखने में आ रहा है कि जो गाड़ियां अभी नया नया आ रहा है वो नया टेक्नोलॉजी के अनुसार उसको अपडेट किया गया है, और जब तक हम सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो उसमें जो एयर बैग लगे हुए हैं, चाहे वो 2 एयर बैग हो, 4 एयर बैग हो, कभी में किसी में 6 एयर बैग भी हैं, वो एयर बैग काम नहीं करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि जो चालक है वो भी सीट बेल्ट लगाए, और जो परिचालक है बाजू में बैठा हुआ है वो भी सीट बेल्ट लगाए, और जो पीछे में बैठे हुए हैं उनको भी सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार ये अपन गाड़ी देख रहे हैं इसमें यदि ड्राइवर बैठा हुआ है तो उसको सीट बेल्ट लगाना जरूरी है, क्योंकि जो सेंसर लगा हुआ होता है गाड़ियों में वो तभी काम करता है जब वो सीट बेल्ट लगा हुआ हो, और सीट बेल्ट लगा रहेगा तभी उसका एयर बैग खुलेगा। तो ड्राइवर को और परिचालक को दोनों को सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। इसके अलावा जो पीछे बैठे हुए हैं उनको भी लगाना जरूरी है। जब हम गाड़ियाँ स्पीड में चलती है, यदि जिस प्रकार हमने देख जो अभी एक्सीडेंट हुआ उसमें देखने में यह आया कि जो 9 मिनट में 20 किलोमीटर की स्पीड कवर किया है, यानी वो गाड़ी लगभग 130 किलोमीटर की स्पीड में थी, और BMW गाड़ी, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ महंगी गाड़ियाँ हैं उसमें ज़्यादा एयर बैग भी है। किंतु हमारा उद्देश्य और ट्रैफिक पुलिस का भी उद्देश्य रहता है कि जो सीट बेल्ट है वो जरूरी है, और चालान के डर से उसके भय से सीट बेल्ट नहीं लगाए हमारी सुरक्षा के लिए है। और जितने भी इक्विपमेंट इसमें दिए गए हैं जो हाईटेक गाड़ियां हैं उसमें चाहे सीट बेल्ट हुआ हो, अलार्म सिस्टम भी है, यदि हम सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो उसमें अलार्म भी बजता रहेगा। कई लोग ये लापरवाही करते हैं कि उसकी जगह पीछे से उसको घुमा के लगा लेते हैं सीट बेल्ट, वो लापरवाही बरतते हैं। किंतु जो सुरक्षा के लिए जितने भी उपकरण लगे हुए हैं उसको जरूर उपयोग करें। वो निश्चित रूप से जब हम किसी एक्सीडेंट होता है तो यही जो सीट बेल्ट है वो हमारी जान बचाता है। आप जैसे देख सकते हैं गाड़ी, अगर आप देखेंगे तो गाड़ी में सर एक तो ड्राइविंग सीट पर रहता है, क्या दोनों तरफ एयर बैग्स मौजूद रहते हैं जो हादसे में काम आते हैं? हाँ, एयर बैग जैसे ड्राइवर चला रहा है तो जो स्टेयरिंग के पास भी बैग रहता है, सामने भी बैग रहते हैं, और जो महंगी गाड़ियाँ हैं उसमें सीट के पीछे भी एयर बैग रहते हुए हैं, और इसके अलावा साइड में जो ग्लास लगा हुआ है उसके पास भी एयर बैग रहता है। किसी में 8 एयर बैग है, किसी में 6 है, किसी में 2 एयर बैग है, किसी में सिंगल एयर बैग भी है। तो अभी जितनी भी गाड़ियाँ आ रही है सभी में एयर बैग कंपलसरी कर दिया गया है, सीट बेल्ट भी कंपलसरी है, लगाना भी जरूरी है, और इसके लिए अलार्म सिस्टम भी दिया हुआ है तो आपको अलर्ट कर रहा है, तो उसका सीट बेल्ट का उपयोग जरूर करें। सर ज़्यादातर अगर आप जैसे चालानी कार्रवाई करते हैं या गाड़ियों को रोकते हैं, ज़्यादातर क्या लापरवाही पाते हैं आप लोगों से जो ज़रूरी है फॉलो करना लेकिन नहीं करते, जिस वजह से हादसे ज़्यादातर हम लोग जब चेकिंग करते हैं तो देखने को ये मिलता है कि लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, ड्राइवर भी नहीं लगाया, उनके बाजू में बैठे हुए वो भी नहीं लगाए हुए हैं, और यदि सीट बेल्ट अलार्म बज रहा है, अलर्ट भी कर रहा है, तो वो सीट बेल्ट को पीछे तरफ से घुमा के ऐसे लगा देंगे, या फिर सीट बेल्ट ना आवाज़ ना आए इसलिए कुछ ऐसा सिस्टम उसको लगा देंगे कि आवाज़ ना आए कंटिन्यू। तो ये हमारी या लोगों की लापरवाही है कि उसको हम निगलेक्ट करते हैं, किंतु जब एक्सीडेंट होता है तो यही छोटी सी चीज़ है सीट बेल्ट है वो काम आता है। और हम देखते हैं कि जब सीट बेल्ट हम लगाते हैं, जब अचानक से जब एक्सीडेंट होता है तो ये सीट बेल्ट है ये ऐसा झटका मारता है जिससे लॉक होता है, ये लॉक हो जाता है, तो ये लॉक होने से क्या जो हमारी बॉडी है वो आगे नहीं जा पाती है, तो आदमी को वहीं रोकता है। तो एक्सीडेंट जितना बड़ा एक्सीडेंट हो चाहे छोटा एक्सीडेंट हो ये हमको बचाता है। अभी जब नॉर्मल इसको खींचते हैं तो ये सीट बेल्ट नॉर्मल खींचता है, किंतु जब एक्सीडेंट में जब गाड़ी झटका से रुकती है तो ये लॉक करके हमारी बॉडी को आगे जाने से रोकता है, तो सेफ्टी फीचर है तो इसका उपयोग जरूर करें। अच्छा सर, गाड़ी जो थी डिवाइडर से टकराई थी और 120 किलोमीटर के दौरान स्पीड थी, तो कितना मुश्किल होता है 120 किलोमीटर में गाड़ी को कंट्रोल करना और उसको फिर ड्राइव करना? हाँ, निश्चित रूप से यदि गाड़ियाँ काफ़ी स्पीड में है तो उसको जब हम कोई ऑब्स्टिकल आ रहा है या फिर अचानक से देखते हैं तो जो उसमें दो प्रकार का रहता है, एक हम जब देखते हैं और उसको देखने के बाद ब्रेक मारते हैं तो उस यदि गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो उतने में हमको सोचने में ही काफ़ी 40 से 50 मीटर गाड़ी आगे निकल जाती है। उसके बाद हम ब्रेक मारते हैं तो ब्रेक मारने के बाद स्कीड होता है, तो 120 की स्पीड में गाड़ियाँ हैं तो वो निश्चित रूप से 80 या 90 मीटर दूर जाके रुकेगी। यदि हमारी स्पीड लिमिट कम है तो हम
हम जब सोचते हैं और उसके बाद ब्रेक मारते हैं तो वो दूरी भी कम होती है, और उसके बाद ब्रेक मारने के बाद जो दूरी है वो भी कम होती है। तो जो निर्धारित स्पीड लिमिट है उसमें यदि गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट की संभावना काफ़ी कम रहेगी। तो जैसा आप देख सकते हैं कि ये सीट बेल्ट है, इसी तरह से जो है कभी भी ड्राइविंग करते समय सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है, तभी जो है अगर झटके से गाड़ी जो है अगर किसी से टकराती है, फोर्स हाई वॉल्यूम वेलोसिटी से टकराती है, तो सामने से एयरबैग तुरंत रिलीज हो जाता है, जिससे जो है जो चालक है वो भी, जो पीछे बैठा है वो भी सेफ रहता है। लेकिन ये जो सीट बेल्ट नहीं लगाने से जो है एयरबैग रिलीज नहीं होता, और जो हादसे होते हैं, जो बड़ी दुर्घटनाएं होती है, उससे ज़्यादातर जो चोटें लगती है, जिससे मौत भी हो सकती है, वो यही वजह है कि सीट बेल्ट ना लगाने की वजह से एयरबैग रिलीज नहीं होता है, और झटका काफ़ी ज़ोर से होता है जिससे मल्टीपल चोटें लगती हैं, इंटरनल इंजरी भी होती है, और भारी ब्लड लॉस के कारण, खून निकलने के कारण जो है वो मौत हो जाती है। कैमरा मिथिलेश साहू के साथ अभिषेक कुमार सिंह, ईटीवी भारत, रायपुर।